हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चार्ट गेमिंग में। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम शहर से गांव में आए थे। हमारे पिताजी ने हमारे लिए एक घर और एक गाड़ी खरीदी थी जिससे हम इस गांव में अपना गुजारा कर सके। पिछले कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन वो पैसे घर खरीदने के लिए, गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही कम रह चुके थे। इसलिए हम वापस से कुछ काम करके इस गाड़ी को अपग्रेड करवाएंगे, अपने लिए नया घर खरीदेंगे। उसके बाद हम कुछ और प्लान करेंगे, अपनी शॉप खोलें। इसका पहला भाग देखने के लिए कमेंट में लिंक दी हुई है, वहाँ से देख लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, इसके बाद ही हमें सामान मिल पाएगा जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हमारी गाड़ी में सामान डाल दिया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। चलने से पहले एक बार मैप में चेक कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ पर है। तो चलते हैं, इंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक कचरा ले जाने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या इनको? ओ भाई, सामने से तो गाड़ी आ रही है, खतरनाक खतरनाक। बाय द वे, मैंने इसमें पेट्रोल डलवा लिया था, ये गाड़ी बीच में बंद नहीं होएगी। होएगी तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल के भी। ये गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, मुझे इसको अपग्रेड कराना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे और अगले वाले दोनों को धोखा देगी। बाय द वे, हम गोल गोल घूम तो रहे हैं, क्या पता हम वहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हमें चलते चलते रास्ते में रात भी हो सकती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मस्त बिंदास चलेंगे। एक बार जाने से पहले मैप चेक करके देख लेता हूँ मैं। हम कई देर से यहीं पर ही गोल गोल घूम रहे थे, तो आगे से हमें राइट लेना है। नीली बत्ती दिखा दी है इन्होंने हमारी गाड़ी को, तो नीली बत्ती दिखाओ चाहे लाल बत्ती दिखाओ, हमें तो चलना ही है। यहाँ पर कोई पुलिस वुलिस तो है नहीं जो हमें रोक सके, फिर भी गाड़ी एकदम बिंदास चल रही है। यहाँ पर भी ग्रीन लाइट है, कहीं पर तो रेड लाइट करो, कोई बात नहीं। आगे से मस्त अल्टो 800 जा रही है, इसको देखकर हम भी अपनी गाड़ी के इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं। मस्त है ब्लू कलर की, लेकिन अपनी गाड़ी से छोटी है, बहुत छोटी है। इस गेम से एक बात पता चल गई कि अल्टो 800 का क्रेज इंडिया में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में है। और ठुक गई क्या? नहीं ठुकी, इनकी बिल्ड क्वालिटी तो कमज़ोर ही होती है, पर हर मिडिल क्लास का एक सपना होता है कार लेने का, गाड़ी लेने का। उस प्राइस में ये गाड़ी हाथ लग पाती है। भोगाली गाड़ियों में तो स्कॉर्पियो, थार, ये सब गाड़ियाँ चलती है, फॉर्चुनर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या पता कौन सी गाड़ी है। हमें यहाँ पर एक ड्राइवर की जॉब मिली है, वो भी करेंगे, एक पिता का कर्ज उतारेंगे कमा कमा के। ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं, ये पैड लगे हुए हैं, ऐसे लग रही है कि हवा के झोंके आ रही हैं। देखो ये पास में लकड़ियाँ पड़ी हुई है, लकड़ियाँ कटी हुई। तो आगे से हमें फिर से राइट लेना है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, पर डरने की बात नहीं है। मस्त मस्त घर बने हुए हैं, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी ये लिखा हुआ है। मस्त कैंपिंग की जगह है, हम ब्रिज को पार करने वाले हैं, नीचे से जहाज़ चल रही है। जहाज़ों में हम बैठ नहीं सकते, एक बार मैंने अपनी गाड़ी को दे दी थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने बाद में नहीं कुदाई गाड़ी को इस पानी में। कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैप देख लेते हैं, हमें आगे से वापस से राइट ही लेना है और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हमें कितने रुपए मिलते हैं, रुपए तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ओ भाई साहब, क्या पिकअप जा रही है, इधर भी अल्टो खड़ी हुई है, गांव में भी ये लोग बस का वेट कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं बिंदास, 7 किलोमीटर दूर थी वो जगह, 5 किलोमीटर दूर हो गई। तेल की हमें कोई टेंशन नहीं है, आगे से क्या गाड़ी जा रही है यार।
ऐसे धर्राटे काटते हुए जाती है, और एक हमारी है कि चलती ही नहीं, हमें वापस से राइट लेना है। तो इसी रास्ते पे हमें चलते जाना है, चलते जाना है, कोई बात नहीं, आराम से संभल संभल कर चलेंगे। हमारी इसी तरह की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, बस उसका कलर चेंज है। सामने से इसी तरह की गाड़ी एक और आ गई है, इसका भी कलर चेंज है। आगे मस्त मस्त पहाड़ है। अब 4 किलोमीटर दूर और रह चुकी है वो जगह। साइन तो इधर दिखा रहा है पर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये चढ़ जाएगी नहीं चढ़ेगी? डाउन गियर में डालना पड़ेगा गाड़ी को, पावर लगा दे पूरा। 4x4 है, गाड़ी में पावर है तो गाड़ी आसानी से चढ़ ही जाएगी। आगे देख सकते हैं हम, 3 किलोमीटर दूर और है। ये लगता है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, ये ट्रक पलट गया है शायद, नीचे उतर गया वो भाई। यहाँ पर तो पुलिस भी आ रखी है, लगता है खाई में गिरने से बाल बाल बचा है। कोई बात नहीं भैया, गाड़ी आराम से चलाया करो, ये कुछ नहीं है हवाबाजी में। वैसे ये इधर दिखा किसको रहा था कि मुझे गाड़ी चलानी आती है? कभी कभी गलती से भी हो जाता है। ये मस्त वैन चल रही है इधर। ओह माय गॉड, ये गाड़ी का बोनट ठुक गया है, मैंने ब्रेक नहीं लगाए, गलती हो गई मेरे से। ट्रेन भी आने वाली है, घंटी ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है, लगता है अलाइनमेंट फाटक बंद कर देगा। और फाटक बंद होने से पहले हमारी गाड़ी बाहर निकल चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। जी ट्रेन में ठुक जाती है तो सामान पूरा नीचे गिर जाता और ये मिशन पूरा फेल हो जाता, पर कोई बात नहीं, हम मिशन पर पहुंचने वाले हैं। मतलब गेम में पूरा रियलिस्टिक फील देने के लिए ट्रेन की फाटक भी बंद कर दिया, घंटी भी बज रहा है लाइन में। चलते देखते हैं आगे क्या आता है। बाय द वे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। इसका भाग एक देखने के लिए कमेंट पे लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और पहला भाग भी देख लें। बस अब पहुँचने ही वाले हैं कुछ। इधर कच्चे रास्ते भी जाते हैं जिसे ऑफ रोडिंग हो सकती है। आप कमेंट करके बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर लेकर आएँ, ऑफ रोडिंग करें, रेसिंग करें, या फिर सामान का एक्सपोर्ट करें। रास्ते में पहाड़ भी आए, बहुत मज़ा आया। बाय द वे, जब मैं इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करके ले आ रहा था तब बीच में एक गाय आ गई, गाय ठुक गई और तो गाय नीचे गिर गई। मैंने गाड़ी को रोक कर उसे संभाला, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। यहाँ की पुलिस ने मेरे पे ऊपर कोई केस नहीं ठोका। यहाँ पर पुलिस है लेकिन कम है, हमें गाड़ी यहाँ पार्क करनी है। ओ भाई साहब हटिए ना, नहीं हटेंगे, कोई बात नहीं। तो फाइनली हमने अपना मिशन पूरा कर चुका है, 2265 रूपी हमें मिल चुकी है। अब चलते हैं आगे। ओ ये डॉग मुझको खाने वाला है क्या? ये मेरे पीछे ही पड़ गया, मैं गाड़ी को वहाँ से यहाँ तक चला के ले गया है कि मेरे पीछे भाग रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये गाड़ी से रेस कर रहा है। हमारी गाड़ी एकदम चकाचक है, इधर बैठने की व्यवस्था है, उधर हमने एक्सपोर्ट कर दिया गाड़ी को। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।